मेरे किड वाला सब इंजॉय, तो वेलकम बैक टू सब्सक्राइबर बैटल सीरीज। तो भाई एक तरफ है राजपूत भाई की टीम जॉन सीना द ग्रेट की एल एन नाइट और द इनक्रेडिबल हल्क, और दूसरी तरफ भाई ब्लैक क्रिमिनल्स की टीम स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, मैट रिडल, मतलब आरके ब्रो। भाई गेम प्ले को फटाफट शुरू करते हैं क्योंकि गेम प्ले बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि पूरी फाइट में एक ही मॉड है, वो भी हल्क। भाई साहब समझ रहे हैं, हल्क तो हल्क कितना ही डैमेज कर गए, तो भाई फाइट शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। मेरे भाई नेक्स्ट फाइट के लिए फटाफट से अपनी टीम कमेंट कर दो, एक मॉड रखना, 3 WWE के सुपरस्टार रख लेना, तो मजा आने वाला फाइट में। और लगे आज भाई कमेंट करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जैसी वीडियो आएगी फट से आपको पता चल जाएगा झट से। वही सीना ऑस्टिन, भाई मुझे लग रहा ऑस्टिन को फिनिशर लगने वाला है। भाई साहब मैंने बोला और दे यार, मेरे जॉन सीना क्यों इतना बिल्कुल ही लजा दिया है यार, सीना एक ही फिनिशर में यार एलिमिनेशन। मेरे भाई सीना ऐसा क्यों कर तो यार तुम हर बार। ठीक है चलो अब सीना तो चलेगा, अब खाली सर को एक स्टनर तो लग चुका, दूसरा भी लग चुका खाली सर। ठीक है बच गए, बढ़िया। मुझे तो लग रहा जाने वाले दिख रहे थे और किकआउट भी कर दिया। तो अगर इनकी तरफ हल्क है भाई, तो देखो सीना का जाना सही हो सकता है, क्योंकि 3-4 की फाइट हो चुकी है। एल ए नाइट उधर किसको मार रहा भाई, किसको मारने बजे? ओके रैंडी ऑर्टन और खली सर कुछ, अब कमाल दिखाओ भाई, तीन फिनिशर है। खली सर काम डालो कुछ और फिनिशर लगाओ, क्लोज लाइन लगा दी है ऑस्टिन ने। ऑस्टिन कुछ कर रहा बैठ रहा भाई, खली पैसा है क्या? ठीक है, और कोडी ये यार मतलब फिनिशर गए, खली सर गए, टाटा बाय बाय हो गया भाई। आते बैक टू बैक दो एलिमिनेशन, जॉन सीना और द ग्रेट खली जा चुके हैं। मतलब उनकी तरफ मॉड क्या है तो यार इस तरीके से मारोगे। ओ अच्छा, आप कहाँ से जंप लगा रहा है कोडी भाई, आज कुछ अलग ही फॉर्म में दिख रही है भाई ऑस्टिन की टीम। रैंडी ऑर्टन स्टंट है, ठीक है एली नाइट सही मार रहा, मतलब रैंडी ऑर्टन को सही मार रहा था। और भाई नीचे ही मारने में बिजी है कोडी, ऊपर जाओ एली नाइट, मुझे लग रहा नीचे ही काउंटडाउन से एलिमिनेट हो जाएगा। कौन सा काउंट चल रहा भाई, रेफरी जल्दी बोल, 4 हो चुका था वो भाई साहब। चलो ठीक है, एली नाइट पहला फिनिशर। कोडी का अगर यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता तो भाई मजा आ जाता, लेकिन कोडी इतनी जल्दी जाने वाला भाई सीना नहीं, कोडी इतनी जल्दी जाने वाली। एक और फिनिशर के लिए एली नाइट जाएगा, बैक टू बैक दूसरा फिनिशर भाई। कोडी रोड्स का हेड ही येल्लो हुआ है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अभी, ठीक है। और हल्क मेरे भाई कैसा खेलता है मुझे बस वो देखना है, क्योंकि पहला ही गेम प्ले है हल्क का मेरे चैनल पे, और किसी दूसरे की वीडियो में भी मैंने अभी तक खेलते हुए देखा नहीं। तो भाई एल ए नाइट सही जा रहा है, एल ए नाइट दो एलिमिनेशन कर जाए तो हल्क की कुछ उम्मीद बन सकती है फाइट जीतने के। एल ए नाइट एक फिनिशर अब भी बचा था। ओ भाई साहब नीचे हल्क को पीटा जा रहा है, और इधर कोडी पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है, कोडी एल ए नाइट को मार रहे हैं, उधर हल्क पिट रहे हैं। तो भाई सीना की टीम पिटी रही है, और एल ए नाइट को भी एक फिनिशर लग गया भाई, हेड ऑरेंज बॉडी येल्लो। ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, किक आउट कर दिया एल ए नाइट ने, बढ़िया। और खड़े होकर तमाचा देख रहा भाई, हल्क नीचे स्टंड होंगे क्योंकि पिटे हल्क अपने कॉर्नर पे आते हुए। एल ए नाइट हल्क को टैग दे दो या एक फिनिशर लगा दो, चलो ऑस्टिन को भी एक फिनिशर लगा। एल ए नाइट फाइनली अपनी 3 फिनिशर यूज कर चुका है, तो अब एल ए नाइट के पास कोई फिनिशर, एल ए नाइट मेरे भाई टैग दे दो तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि अब देखो ऑस्टिन के पास अगर फिनिशर आया तो एक फिनिशर तुमको भी लग चुका है, हेड ऑरेंज या बॉडी येल्लो है। ऑस्टिन के मूव से बची है एल ए नाइट, ठीक है। और ऑस्टिन मेरे भाई छोड़ने वाले रेडल स्नेक है वो, अच्छा दो सांप सपेरे, दो नाग है भाई, एक तो रैटल स्नेक है और वाइपर है वो, भाई साहब तगड़े। और हल्क को टैग भाई साहब मिल चुका, और क्या फिनिशर भाई, ये फिनिशर लग रहा था मुझे। उससे पहले ऑस्टिन ने धर लिया इनक्रेडिबल हल्क को, नहीं तो फिनिशर था ये। और ये यार मैट रिडल ने अपना फिनिशर लगा दिया आर के ब्रो। भाई हल्क मुझे लग रहा है एलिमिनेट ना हो जाए, जल्दी ही चला जाएगा, क्योंकि हेड तो अभी से येल्लो हो चुका, अभी तक एक फिनिशर ही लगाया हल्क को। तो हल्क मुझे ये लग रहा है मॉड ज़्यादा बढ़िया वाला है नहीं, जो ओमनी मैन को उसके टक्कर का होना चाहिए था, ड्रैको ब्लेस का, या ओ भाई साहब रिवर्स किया हल्क मेरे भाई। ऐसे ही बाहर जाके क्या कर रहा भाई, वापस जा रहा है क्या, वापस जाने को लगाता है भाई हल्क, समझ में नहीं आता क्या कहानी है इसकी, और नीचे जाने का क्या रीजन है हल्क का, मतलब कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं, भाई नीचे चला गया फट दी, चलो ठीक है कोई बात नहीं हल्क ऊपर जाओ।
और घुमा के फिनिशर लगाओ। लेकिन ओ यो हो मैट रिडल भाई फॉर्म में दिख रहा है, बैक टू बैक चमाटे लगा रहा है, वो चनकटों से ले रहा है चनकटों पे। और हल्क का हेड येल्लो, हल्क भाई अभी तक पिटते हुए ही नजर आ रहे हैं, मतलब एक और फिनिशर, मैट रिडल एक और फिनिशर ले रहा है। हल्क मेरे भाई रिवर्स करो, ये भी रिवर्स नहीं हुआ। हल्क का परफॉर्मेंस आज मुझे डाउन लग रहा हो भाई, हेड ऑरेंज हो चुका है, एलिमिनेट नहीं होना है, रेजिलेंस यूज हो गई भाई 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 भाई, बहुत ज़्यादा जल्दी रेजिलेंस दूसरे ही फिनिशर के पास। अब तक हल्क ने एक फिनिशर अपना भी नहीं लगाया और पता नहीं कैसा वाला मोड है, ये मैं सोच रहा हूँ। ओ यार ये भी फिनिशर लगाने जा रहा था, अरे भाई भाई तीसरी बार हल्क का फिनिशर लगते लगते। जब तक हल्क मतलब फिनिशर इसका ऐसा है ना, जब तक वो इतना ज़्यादा टाइम ले लेता है मूवमेंट के लिए कि वो उतने में यार वो एक आध पंच लग जाता, और आर के ओ आते आते रैंडी ऑर्टन आर के ओ के लिए जा रहे थे। कोई यार फिनिशर नहीं है एली नाइट के पास, तो ये समस्या वाली बात है भाई। हेड लाल हो चुका है, बॉडी ऑरेंज है, तो एक आर के ओ में मुझे लग रहा है एली नाइट के टांडा बाबा है, हो सकता है, हो सकता है एक सर्वाइव कर जाए तो दूसरे में तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। लेकिन एली नाइट एक फिनिशर लगा के भी कुछ नहीं कर लेंगे भाई, चार चार प्लेयर है, कितने ही फिनिशर मतलब अपने बार को फिल कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो ओ सिग्नेचर चला गया भाई, सिग्नेचर यूज़ किया क्या एल ए नाइट ने, और फिर से मैट रिडल को टैग दिया। मैट रिडल के पास अब भी एक फिनिशर है, रिडल या रिडल 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 भाई कुछ ज़्यादा ही बढ़िया परफॉर्म कर जाता है कभी कभी मैट रिडल। और एक और फिनिशर लग रहा है एल ए नाइट, ये भाई गया नहीं है अभी, और यार टैप आउट कर गया भाई हल्क मेरे भाई। तो हल्क एक तो फिनिशर कि मैं मैट रिडल गया, ओ तेरी ओ तेरी, फिनिशर देखा भाई तुमने, फिनिशर देखा भाई तुमने, मतलब मैट रिडल इतना ऊपर जाके गिरा है जिसका जवाब नहीं है। हल्क ने चलो एक तो मूव दिखाया और एक ही भाई मुक्के में, एक ही मुक्के में मैट रिडल को टाटा बाय बाय कर दिया भाई, बहुत तगड़ा फिनिशर था। अगर ये फिनिशर जो तीनों जो उसके वेस्ट गए हल्क के, अगर ये लग जाते तो भाई कहानी कुछ और ही होती। अरे भाई साहब हेड भाई साहब तगड़ा तगड़ा फिनिशर है भाई, देखो परफॉर्मेंस कितनी बेकार, फिनिशर बहुत तगड़ा है यार, मतलब घुमा के जो ला रहा है ना हल्क, तो मतलब मुझे भी फील हो रहा है कि अगर जिसको लग रहा होगा कितना तेज लग रहा होगा, बाई गॉड बहुत तेज, कसम से बहुत तेज लग रहा होगा भाई भाई भाई। हल्क मेरे भाई अंदर आओ, दो दो एलिमिनेशन और कर दे हल्क तो मजा आ जाए यार, मतलब हेड ला, ओ भाई साहब भाई एलिमिनेट हो गया हल्क, हल्क का परफॉर्मेंस जरूर बिगाड़ भाई, फिनिशर बहुत ही तगड़ा फिनिशर, बहुत तगड़ा फिनिशर था मेरे भाई। नेक्स्ट फाइट के लिए फटाफट से एक बॉड और तीन WWE के सुपरस्टार्स की टीम कमेंट कर दो फटाफट से, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।